अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है और आज की रूटीन पहले की तरह, संडे की तरह आज भी बिजी। अभी अभी मुझे दोस्त की कॉल आई है कि शॉप जाना है, बाहर बाज़ार जाना है, कटिंग करवानी है और दाढ़ी को भी ट्रिम करवाना। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मैंने भी ना थोड़ी थोड़ी दाढ़ी की सेटिंग करवानी, काफ़ी बड़ी हो गई थी, और बाल भी कटवाने। अभी मेरा दोस्त आ गया तो अभी हम चलते हैं। मेरा मेरा दोस्त, हाय नान भाई। हेलो नान भाई, चले भी अभी हम चलते हैं तो बाकी उधर वीडियो जाके बनाएंगे। भाई के भी बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, देखिए इतने बड़े भी, इनको थोड़ा थोड़ा छोटा करवाना। मेरे तो ऑलरेडी छोटे छोटे, मेरे मेरे एन 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 एन। चलो चलते। भाई तो अभी बैठे नहीं हुए, अब उनका वेट करेंगे। अभी उनको कॉल किया तो वो कह रहे थे कि मैं कर दूँ थोड़ी देर तक, करता हूँ 15-20 मिनट तक। अभी हम फिर बैठे हुए हैं, उनका वेट करेंगे, आते हैं फिर कटिंग करवाते हैं। और बस फिर कटिंग ही करवानी है। अनार भाई सेल्फियाँ लेने में मसरूफ हैं, अभी उनको सेल्फियाँ लेने के कुछ ज़्यादा ही शौक है। हाँ स्ट्रीक, सॉरी स्ट्रीक, स्नैपचैट की स्ट्रीक ले रहे हैं। अभी हम अनान भाई से भी बात करते हैं। अभी हमने जूस का ऑर्डर दिया, जूस बंद है, मौसमी का जूस वो पीते हैं जब तक वसीम भाई नहीं आते। ये देखें अनान भाई सेल्फी ले रहे हैं। नहीं भाई जान, स्टिक भेज। अच्छा अच्छा, अनान भाई स्नैपचैट वो स्टिक भेज रहे, बहुत ही अच्छे बंदे हैं जी, देखे माशा। अल्लाह पाक नज़र बात से बचाए मुझे भी और इन्हें भी। और अनान भाई सुनाए कैसी जा रही है आपकी लाइफ? बस बहुत। अनान भाई का छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। अनान भाई लाहौर होते हैं आजकल, तो एक वीक के बाद आया, मैं तो खुद इनसे बहुत उदास हो गया था। शाम को हमने जाना होता बाहर आउटिंग के लिए, इनके वो भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही ख़त्म हो गई है। अब ये देख लिया अनान, अनार भाई आज फिर मुझे छोड़ के जा रहे हैं लाहौर फिर एक वीक के लिए। नहीं अब 2 वीक के बाद, 15 दिन के लिए। अब तो 15 दिन इंशाल्लाह अनार भाई, मैंने भी 15 दिन के अंदर अंदर उधर लाहौर आ जाना। बस ठीक है, फिर वहाँ भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ज़रूर। अनार भाई का स्टाइल देख के, दाढ़ी का माशाल्लाह। थैंक यू। अब बस अभी बाल इन्होंने कट करवाने हैं, लाहौर से भाई ने करवाया आपने? नहीं यार, मैं बस चलो आप वसीम भाई आते हैं तो फिर हम कटिंग करवाते हैं और शेव करवाते हैं, फिर चलते हैं घर को। आधा घंटा हो गया, हनान भाई अपने घर चले गए थे मुझे घर में छोड़ के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शॉवर किया, ये देखें बाल छोटे छोटे करवा लिए, और दाढ़ी भी ट्रिम करवा ली है। पहले तो बहुत बड़ी हो गई थी। अभी मैं ट्यूबवेल पे आ रहा था अंकल से मिलने के लिए, उनसे कोई काम था, तो इसी ट्यूबवेल पे अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के गया हूँ। लेकिन तब अंकल इधर नहीं बैठे हुए थे, वो कहीं काम गए हुए थे। उनसे मैंने ना बाइक लेनी थी बाज़ार जाने के लिए, तो अभी वो आए, वो कह रहे कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ फिर बाइक लेता हूँ। अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये पहले मैंने आपको दिखाई थी, ये उस दिन की है जिस दिन बारिश हुई थी, बिल्कुल छोटी छोटी थी।
अभी देखें काफ़ी बड़ी हो गई माशाल्लाह। दो तीन दिन हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज वैसे ही है। संडे वाले दिन वैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है, मैंने नोट की है, या फिर मुझे संडे वाले दिन ज़्यादा गर्मी लगती, क्योंकि संडे से पहले तो मैंने घर से बाहर निकलना नहीं होता, संडे वाले दिन ही मैंने बाहर जाना होता। आज शाम का भी फ्रेंड के साथ का प्लान है, शवारमा खाने के लिए जाना है। आज शाम को फ्रेंड के साथ जाएंगे। अभी मुझे थोड़ी देर पहले हसन भाई की कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि आज शाम को चलना शवारमा खाने के लिए। तीन दिन हो गए थे हम बाज़ार गए नहीं है शाम को, पहले डेली जाते होते थे, लेकिन दो तीन दिन से हसन भाई भी बिजी हैं और हनान भाई आए हुए थे, उन्होंने अभी निकल जाना, तकरीबन 5 बजे के करीब उन्होंने वापस चले जाना था लाहौर के लिए। मुझे लगता है वो निकल गए होंगे। उधर कैमरा किया लेकिन रोशनी की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। अभी ये ज़मीन जिधर चावल की फसल की कटाई हुई थी, वीडियो लगाई थी, अभी उधर उन्होंने खेत को ना जला के दैन उसमें वो हल वगैरह चला दिए। अभी वो मैंने पूछा था अंकल से कि इधर आप क्या बीजना, तो वो बता रहे थे शायद इधर मकई लगाएंगे या आलू की फसल लगाएंगे। जो भी लगाएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। ये मकई उस दिन बिल्कुल छोटी छोटी थी, लेकिन अब काफ़ी बड़ी हो गई। अभी भी इसको पानी लगा रहा है और बस अभी ये मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। अभी विलेज का मौसम शाम के टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी कुछ ठीक है, इतनी गर्मी फील नहीं हो रही, ना ही मुझे आज पसीना आ रहा है। लास्ट संडे जितनी गर्मी थी, इतनी देर मैं बाहर निकला था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ गया था, लेकिन आज ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अभी रोड पे ट्राले गुजर रहे हैं, ट्रैफिक काफ़ी गुजरती होती है इस टाइम, ये देखें। बाकी शाम को जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, तब की वीडियो बनाएंगे, देखते हैं आज क्या खाते हैं, शवारमा या बर्गर, जो भी खाएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।